हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा, नहीं तो जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो है उस पर जाएं और टॉपिक को क्लियर करें। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो डाइपोल में प्रॉब्लम होगी, पहले बता रहा हूं। तो प्लीज सिर्फ इस वीडियो को देखने से पहले उस पर जरूर जाएं आप। उससे रिलेटेड वीडियो जो भी पहले है मैंने एक मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इस चैनल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाकर आप वहां पर क्लिक कर दें, सारा आपको जैसे जैसे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। सबसे पहला काम करना है आपको सिलेबस लिखना है इसका। मेरे साइट पर जो मैंने बताया www.physicsclasses.online साइट पे जाएं, सबसे पहले सिलेबस किसी भी टॉपिक को चैप्टर का सिलेबस प्ले लिखा यूनिट का। उसे करने के बाद आप जो भी चीज वीडियो में फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर तो डायरेक्ट वीडियो में जाएंगे, आप डायरेक्ट सर्च करके भी जा सकते हैं हमारे चैनल पर, उस टॉपिक को आप क्लियर करते जाएं। और वीडियो देखने से पहले मैं बताता हूं नोट्स आपके पास होना चाहिए। वो नोट्स मेरे साइट पर, उसी साइट पर जहां से सिलेबस के लिए मैंने एड्रेस दिया, वहीं पर आपको हर एक टॉपिक का, जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं पहले उसका वो टॉपिक वहां पर सर्च मारिए, उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। कुछ किसी का पीडीएफ मिलेगा, किसी का कुछ मिलेगा, लेकिन आपको नोट्स खुद से तैयार करना है क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है तो फिर ऑब्वियसली बात थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको बाहर जाने में प्रिंट आउट लेने में। तो उससे अच्छा यह है आप खुद से बुक में अपनी राइटिंग में अच्छे से लिखें। उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर कमेंट सेक्शन में जाएं, बोले सर ये चीजें है, ये चीज मुझे गलत लग रहा है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, या यहां पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं वहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इतना काम करना है। उसके बाद जस्ट हर एक वीडियो, क्योंकि आप जब तक वहां स्टार्ट से नहीं समझोगे तब तक बीच से समझ में नहीं आएगा। अगर आपने समझ लिया है सिर्फ इस वीडियो के लिए काम कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको पहले सारे वीडियोस को देख करके फिर यहां पर आपको आना चाहिए। तो हम लोग आगे करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पर एक लेते हैं माइनस क्यू और एक लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। देखिएगा माइनस क्यू प्लस क्यू डिफरेंट चार्ज नहीं, सेम मैग्नेटिक, और उसे एक स्मॉल डिस्टेंस पर अरेंज करते हैं। मतलब वहां पर जैसे माइनस क्यू एक तरफ माइनस क्यू है, एक तरफ हमारा प्लस क्यू चार्ज है, दोनों को हम लोग दूसरे के नजदीक लाते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट बना दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट इन विच टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्निट्यूड बट ऑपोजिट साइन, मतलब माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, आर अरेंज या प्लेस्ड इन स्मॉल डिस्टेंस, देन इट फॉर्म अ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट इन विच टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये स्मॉल डिस्टेंस मैंने टू लिया। अभी बोलोगे सर आप हमेशा आर 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 या ऐसा कुछ ले रहे थे, टू ए क्यों लिया? टू वे लेने का कारण यह है कि कैलकुलेशन को बाद में इजी करने के लिए, वो मैं डिस्कस करूंगा इसी में, क्यों लिया हम लोगों ने फिलहाल। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब मान लीजिए हमारे पास दो डायपोल है, एक डायपोल आपने बनाया, एक डायपोल आपके फ्रेंड ने अरेंज किया। बोलोगे अब बोले अगली बात है कि मेरा डायपोल ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ ज्यादा है इसका, इससे क्या मतलब, कैसे स्ट्रेंथ कैसे जानेंगे? तो डायपोल स्ट्रेंथ, इसके लिए एक वर्ड आता है, वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल डायपोल मोमेंट। क्या है डायपोल मोमेंट? देखिएगा ये चार्ज, क्या दोनों का स्ट्रेंथ सेम है? हाँ सेम है, दोनों में से किसी एक का हमने स्ट्रेंथ ले लिया, स्ट्रेंथ सेम है दोनों का, इनटू इसके बीच में सेपरेशन कितना है, इसके सेपरेट बीच में सेपरेशन है टू है, इसके बीच का सेपरेशन ले लिया हम लोगों ने टू। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में जो हमें मिला है, जो मल्टीप्लीकेशन मिलेगा वही कहलाएगा डायपोल मोमेंट। So what is dipole moment? Dipole moment is the strength of the electric dipole. Mathematically, you can define it. It is the product of magnitude of either charge or and distance between them. यानी कि इसके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है क्यू और इसका जो डिस्टेंस है, इसके बीच को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें क्या मिलता है? Dipole moment. It is a vector quantity. ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहां पर एरो लगाया है और यह टू ए पे एरो लगाया है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बोलोगे सर तब तो इसका डायरेक्शन भी होगा। हाँ इसका डायरेक्शन है, और इसका डायरेक्शन क्या है? हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा जो डायरेक्शन होगा डायपोल का वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। मान लीजिए माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू,
ये होंगे, ठीक है। जब भी आपको देखना है डाइपोल का डायरेक्शन जब भी आएगा, जहां पर भी आगे आने वाला है, तो हमेशा आप जो पी लीजिएगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। फाइन, ये था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू का क्या हो जाएगा कूलम, और डिस्टेंस से क्या हो जाएगा मीटर, कूलम मीटर। यह हो गया हमारा इसका यूनिट। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो हम लोगों ने लिया है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम लोग जानने वाले इस वीडियो में करेंगे हम लोग। एक्सियल पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं एंड ऑन पोजिशन भी कहते हैं, या टेन ए पोजिशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, टेन ए पोजिशन, एंड ऑन पोजिशन या एक्सियल पॉइंट, ठीक है। देखिए क्या होता है, हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हम लोगों ने ले लिया एक डायपोल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। प्रॉब्लम एंगल पोजिशन मतलब एक्सियल, ये जो होता है बेटा, ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सियल, ठीक है ना, ये हमारा एक्सियल लाइन है। तो एक्सियल लाइन है, इसके किसी पॉइंट पी पर हम निकालते हैं। आखिरकार ये जो पी पॉइंट है, कुछ तो इसका डिस्टेंस होगा डायपोल से। तो अब जब आप डायपोल का डिस्टेंस निकालिएगा, तो आप कंफ्यूज कीजिएगा, सर यहां से मेजर करें या फिर तो यहां से मेजर करें, हम कहां से मेजर करें, सोचने वाली बात है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ना इस सर से ना इधर से, इसका बीच वाला पॉइंट ले लेंगे। यानी कि डायपोल से जब भी किसी पॉइंट पर डिस्टेंस लीजिएगा, हमेशा उसके सेंटर मिड पॉइंट से लेना है। और मान लीजिए डिस्टेंस आर है, और ये हमने कितना लिया था, याद है, टू वे लिया था, ये हमारा ओ पॉइंट है। बताइए कि यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये आर है, ये ए है, ए ए है। पता चला कि टू डिवाइड किया था, अगर आप सिर्फ ए लेते या आर लेते तो फ्रैक्शन में आता, कैलकुलेशन हो जाता, कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ता। तो उसको उससे बचने के लिए हम लोगों ने यहां पर क्या किया कि टू ए ले लिया, ये हमारा ए हो गया, ये यहां से यहां आर है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर माइनस ए, ठीक है। और यहां से उसी तो यहां डिस्टेंस निकाल क्या हो जाएगा, ये आर प्लस ए। यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये बी है, ये पी है, बीपी इज इक्वल टू व्हाट, आर माइनस ए, और ये यहां से यहां एपी है, एपी इज इक्वल टू व्हाट, आर प्लस ए। हम इस चीज का यूज करेंगे अभी। अब बताइए इस पॉइंट पी पर जहां पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बी के कारण कुछ फील्ड होगा, ईबी की वैल्यू, ईबी मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, बी चार्ज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, किस तरफ, ये पॉजिटिव है ना, और ये क्या है हमारा, इस तरफ है, अलोंग बीपी, अलोंग बीपी, बी से पी की तरफ पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा अलोंग बीपी। अब देखिए ई उसी तरह क्या है, ये नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज भी करेगा, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर अलोंग, किस तरफ, ये माइनस चार्ज हो जाएगा। इसमें मान लीजिए हमारा ई बी था, इधर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ई ए अलोंग अलोंग बी से ए की तरफ अलोंग। देखिए एक के कारण फील्ड इस तरफ, एक के कारण फील्ड इस तरफ, एक के कारण फील्ड इस तरफ, रिजल्टेंट क्या करेंगे, एक इधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट क्या करेंगे, एक माइनस दूसरा, एक माइनस दूसरा कीजिएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, समझिएगा, किसको माइनस करना है, जो ज्यादा मैक्सिमम होगा मैक्सिमम से वो लोग मिनिमम माइनस करेंगे, तो मैक्सिमम क्या है हमारे पास, ये नजदीक है ना, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो नेट फील्ड जो ई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई बी माइनस ई ए, क्या हो जाएगा, देखिए तो के क्यू, के क्यू तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारा, वन बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन बाय आर प्लस ए का, इसे क्या करें, सॉल्व कर ले हम लोग, सॉल्व कीजिएगा तो देखिए तो क्या आता है, के क्यू एलसीएम लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी स्क्वायर में दोनों में है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां ब्रेक कर देते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए माइनस, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू आर, साइन कन्वेंशन पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये चीजें आ गई, और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ बाहर में माइनस है, अब ऐसे इसका साइन क्या हो जाएगा, टोटल का चेंज हो जाएगा, मतलब ये होना चाहिए था ये, लेकिन जैसे आप ब्रैकेट को खोलते हैं
ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या के क्यू टू आर ए कितना हो गया 4 आर ए अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लीजिए पूरे ध्यान से, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, इसके क्या हम लिख सकते हैं कि फोर था ना यहां पर, टू टू जा फोर, क्यू इंटू टू ए क्यू ना है, तो याद है क्यू इंटू टू ए क्या होता था, डायपोल मोमेंट। इस वाले वीडियोस पहले देखना आपको जरूरी था, उसमें मैंने बताया था क्यू इंटू टू ए क्या हो गया हमारा डायपोल मोमेंट, इसे हम लोग पी से डिनोट करते थे, टू के पी आर अपॉन में। अब मान लिया एक कंडीशन आर बहुत बड़ा है ए से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग नेग्लिजिबल, तो आर स्क्वायर और आर उसका भी स्क्वायर, तो क्या हो गया आर की पावर फोर, कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या हो गया हमारा जो नेक्स्ट फील्ड आया हमारा वो आ गया 2kp अपॉन में rq। ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वेयर एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस या टेन ए पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन में, जब देखा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से रखिएगा चीजों को, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन बताइए तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, तो इस तरफ है ना, यानी कि डायपोल से दूर जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग जो भी डायरेक्शन है मेंशन नहीं करना आपको, फिर आपको सिर्फ ये चीज कर देना है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों ने निकाला ये क्या होगा हमारा इसका स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे हम लोग इक्वेटोरियल लाइन वाला, फाइन। तो यह मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया, अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार दो बार तीन चीजों को देखें क्लियरली समझ में आ जाएगा, लेकिन नोट्स लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो नोट्स को प्लीज जरूर करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इक्वेटोरियल पॉइंट और एनी पॉइंट वाला कंडीशन, क्योंकि आपका जनरेशन में क्वेश्चन चांसेस कम होते हैं, फिर भी उसे समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।